तो हम एक बार रिवीजन पे लाते हैं। तो लास्ट क्लास हमने क्या किया था, H1 हेलो ग्वालियर और फिर P पैराग्राफ लॉरम, ठीक है, और Z। फिर मैंने यहां पे एक स्टाइल लगाया, स्टाइल फिर डॉट A बॉर्डर टू फिक्सर सॉलिड, ठीक है, और रेड कभी बॉर्डर में। क्लियर? तो अभी हम रन करें, तो हमें क्या करना होगा, यहां पे क्लास को कॉल कर दी मैंने वही क्लास, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसी क्लास पे बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है, ब्लू फॉन्ट साइज सेट कर दिया 40 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर वाइट, ठीक है, इतना पार्ट हमने कर लिया। बॉर्डर की विड्थ में थोड़ी बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब थोड़ा पैराग्राफ काम कर लेता हूँ, ये पैराग्राफ है ना, थोड़ा इस पे और हम थोड़ा काम करते हैं। तो ये मैं थोड़ा पेस्ट कर लिया पैराग्राफ इतना, देखो इतना, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर एक क्लास लगाऊंगा बी नाम की और डॉट बी के अंदर बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पैराग्राफ की विड्थ कम कर दी 40 पिक्सल कर दी, हाइट मैंने कर दी इसकी 300 पिक्सल। देखो पैराग्राफ की, देखो दिख रहा है। अब आप एक चीज देखो, ये कंटेंट देखो राइट साइड से अलाइन में नहीं आ रहा है। देखो जो राइट साइड में ये कंटेंट है मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये अलाइन में नहीं आ रहा, देखो है ना। तो हम इसके लिए क्लास लगाएंगे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ठीक है, टेक्स अलाइन जस्टिफाई। देखो जस्टिफाई हो गया कंटेंट, देखो राइट साइड से आप देख सकते हैं हो गया जस्टिफाई कंटेंट। तो अब इतना पैराग्राफ करें, सब लोग इतना नोट कर ले, सर सर कुछ एरर आ रही, वो फाइल नहीं बन रही है, वो शायद कुछ मिस इसमें कुछ हो गया है सिस्टम में, फाइल नहीं बन रही है। प्रैक्टिस की घर पे बाकी लोग नोट करें, ये माइक बंद कर लें, इसका माइक ऑन हो। अब देखो जस्टिफाई से क्या हुआ, दिख रहा है आपको ये, देखो ये सही से नहीं आ रहा साइड से, दिख रहा है राइट साइड से है ना, कंटेंट पढ़ने में सही नहीं आ रहा, तो टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई कर दिया। अब देखो राइट से भी सेम हो गया और लेफ्ट से भी सेम हो गया है ना। नोट करें आप लोग पहले एचटीएमएल, और माइक बंद कर लें, इसका माइक ऑन हो। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, पहले एचटीएमएल नोट करोगे कि पहले सीएसएस नोट करेंगे आप बताओ। तो पहले HTML नोट करो ना, दिख रहा है, पहले सिंटेक्स देखो HTML का, फिर HTML नोट करो,
एचटीएमएल नोट हो गया? यस सर, अभी हो नहीं, गया। अभी अभी नहीं हुआ सर। हाँ, ये कंटेंट आप कुछ भी लिख लेना अपने मन से, ठीक है? ये कंटेंट आप कुछ भी लिख लेना। सर सर, हाँ जी, बोल बोलो। बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड और दोनों बैकग्राउंड कलर दोनों प्रॉपर्टी दोनों में क्या सेम डिफरेंस है है, सर? दोनों सेम है, दोनों से कलर हो जाता है। हाँ, दोनों से अपन कलर वाले काम कर लेते हैं। माइक ऑन कर लो, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लें। एस्टिमेट हो गया? यस सर, एक बार स्लाइड ऊपर कर दीजिए ना सर, ऊपर का नहीं दिख रहा है, शो हो रहा है मेरे को। जिसका आप सी एस नोट कर लो। सीएसएस नोट हो जाए बता देना। हो गया सर। बाकी लोगों का हो गया सर, हो गया। हो गया सर, हो क्या? गया सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना इतना क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया सबको इतना? यस सर। हेलो सर, हाँ जी बोलो। सर जैसे उसका बॉर्डर है, बॉर्डर सॉलिड है, इसका कलर चेंज करना हो क्या? तो बॉर्डर है इसका कलर भी तो चेंज हो सकता कर दो ना, मैंने तो कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, है तो जैसे कंपलसरी सॉलिड नहीं के आगे है। ब्लैक। हाँ, कोई जरूरी नहीं है, मतलब तो कोई कंपलसरी नहीं है चेंज करना ऐसा, ठीक है? वो तो हमारे डिजाइन के ऊपर है, चेंज करो तो ठीक है, सर बिल्कुल। सर जी, हाँ जी, बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी में सर डिफरेंट क्या होता है? अरे भैया बताता रहा हूँ, दोनों से हो। देखो, या देखो, जी लिखा मैंने बैकग्राउंड लिख लिया, और जी लिख लिया मैंने बैकग्राउंड कलर, जी दोनों ही काम सेम हो जाता है, तो कोई पंगा नहीं है। देखो, बंद कर दिया तब भी वही काम करेगा, वो लगा है तब भी वही काम कर रहा है, ठीक है? वो तो प्रॉपर्टी बनी हुई है, दोनों से हमारे ठीक सेम काम, दोनों से हमारे सेम काम आ गया, दोनों से नहीं आया ना, ठीक है? बजे के बैकग्राउंड लिख देते हैं, लेकिन जो नहीं है। अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब
एक जो आपका एक वेब डिजाइनिंग का फोल्डर था ना, सब लोग, आपका जो वेब डिजाइनिंग वाला फोल्डर था ना, उसके अंदर एक फोल्डर था इमेज नाम से, था इमेज नाम से फोल्डर। हेलो, यस सर, है ना? यस सर, यस सर। उसमें आप क्या करो, अपने सिस्टम से, आपके सिस्टम में इमेज पड़ी होगी ना, सही, तो उसमें से इमेज कॉपी करके पेस्ट कर लो। जैसे मेरा ये वेब डिजाइनिंग का फोल्डर है, ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें इमेज पेस्ट है, दिख रही है? तो आप लोग भी क्या करो, अपने सिस्टम से कोई से भी इमेज निकाल लो, और क्या करोगे, वेब डिजाइनिंग के अंदर जाके उनको पेस्ट कर दो इमेज वाले फोल्डर में। अपने सिस्टम से कोई सी भी इमेज निकाल लो, और वेब डिजाइनिंग के अंदर जो इमेज वाला फोल्डर है ना, उसमें इमेज पेस्ट कर लो। आपके सिस्टम में डी ड्राइव में, ई ड्राइव में इमेज होगी ना, वो इमेज कॉपी कर लो, वेब डिजाइनिंग के अंदर जाओ, नहीं है इमेज सर, वाला नहीं है। फोल्डर होगा उसमें पेस्ट कर लो। एक आध दो तो होंगी इमेज, है नहीं तो डाउनलोड कर लो नेट से। ओके सर। हेलो, गुड इवनिंग, कौन है? जी सर, चलो अब आगे देखो, सबकी जी इमेज पेस्ट सर, हो गए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बनाओ फाइल, देखो अब यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वेब डिजाइनिंग का फोल्डर, देखो ये इमेज वाले फोल्डर में, देखो आपको ये दिखने लगी होंगी, यहाँ पे ये इमेज वाले फोल्डर में इमेज होने लगी होंगी। सो रही आप लोग की, हाँ सर, है हो रही है ना? सर। ना ठीक है। अब मुझे इमेज कहाँ शो करानी है, ब्राउजर पे, ठीक है, इमेज कहाँ शो करानी होगी मुझे, अब ब्राउजर पे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब एक बनाओ फाइल, अब एक न्यू फाइल कैसे बनेगी, पहले इन एचटीएमएल पे क्लिक करना होगा, ऐसे पहले इन एचटीएमएल पे क्या करना होगा, क्लिक, ऐसे ऐसे क्लिक कर दो, ऐसे, और फिर एक बनाओ नई फाइल इमेज डॉट एस टी एम एल। पहले न्यू फाइल बना इमेज डॉट एस टी एम एल, बना ली फाइल, यस सर, बाकी लोगों ने, यस सर, चलो यस सर, हाँ, अब देखो सिंटेक्स देखा मैंने, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर, अब देखो इमेज कैसे शो कराते हैं ब्राउजर पे, ब्राउजर पे इमेज शो कैसे होगी, तो लिखा मैंने IMG, एंटर दिया, SRC मतलब क्या होता है, सोर्स। तो हमने अपनी इमेज कहाँ रखी है, इस इमेज वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो मैंने अब लिखा स्लैश IMG, देखो जा रहा है, सिंपल मैं ऐसे लिख दूंगा ना IMG, देखो मेरे फोल्डर का नाम आ गया, क्लिक किया तो मुझे कौन सी इमेज शो करानी है, मैंने क्लिक कर दिया। फिर समझा रहा हूँ कैसे शो कराते हैं ब्राउजर पे, IMG इमेज टैग एंटर दिया, SRC में देता होता सोर्स इमेज स्लैश, राइट क्लिक किया, ओपन द लैब सर्वर, देखो आगे मेरी इमेज है ना, आपको क्या आ गई सर, आ गई, बाकी लोगों की,
हाँ सर आ गई। आ गई सर। ठीक है, अब देखो, अब इमेज बड़ी छोटी आ रही होगी, किसी की इमेज बड़ी आ रही होगी, किसी की इमेज छोटी आ रही होगी, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक दूंगा विड्थ, ये 300 पिक्सल, हाइट दे दूंगा 200 पिक्सल, अगर छोटी कर रही इमेज, तो मैं छोटी हो गई है ना, तो आप लोग विड्थ हाइट दे सकते हो। हो गई सर। हो गई। हो गई सर। चलो अब देखो, अब देखो इसमें एक आपको दिख रहा होगा ऑल्ट, देखो ना ALT, है ना, ये क्या करता होगा इसके अंदर, है ना। सबकी में जा गई, किसी को डाउट पूछ लो, संजू, रुचि, राघव, राज, यादव जी, आशुतोष, अभी, आकाश, आकाश उपाध्याय, कोई डाउट इमेज ना आ रही तो पूछ सकते हो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। इमेज आ रही है सबकी? माइक ऑन है किसी का? आकाश बाद माइक ऑफ करो, आकाश उपाध्याय माइक ऑफ कर लो। हाँ अब देखो यहाँ पे, तो अभी ये इमेज आ रही है, अब मैं कुछ गलती कर देता हूँ, मैं ये जी डाल देता हूँ, ठीक है, करा दिया। तो अब देखो इमेज चली गई, अब सिर्फ यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेज का आइकन आ रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी इमेज गायब हो गई, इसका नाम क्या है ना, कौन सी इमेज थी। अगर मैं ऑल्ट में, ऑल्ट मतलब इसका कोई नाम दे दूँ, ये जो जो मेरी इमेज थी ना, ये कोई बॉय की इमेज थी, यार मैं डालता हूँ इसका नाम, डाल देता हूँ इमेज का नाम एबी था, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा, अभी देखना, अभी क्या लिख के आ गया सब, देखो लिख के आ गया एबी। अगर मैं लिख देता हूँ एबी, मैं लिख दिया यहाँ पर डोसा, सिंपल देखो नाम लिख के आ जाएगा यहाँ पर कि डोसा वाली इमेज गायब हो गई आपकी। तो ऑल्ट जब भी आप इमेज लगाओ तो इसको नाम दे लो, चलो कि ये कौन सी इमेज है, मोबाइल की है, फोन की है, लैपटॉप की है, कौन सी इमेज है, उसका अल्ट में नाम दे दो, अल्ट में नाम दे दो, कि बाय चांस कभी आपकी ये इमेज सो ना हो तो कम से कम उसका नाम तो यहाँ दिख जाए, है ना, कि ये वाली इमेज मेरी सो नहीं हो रही है। और जब इमेज सो होगी तो आपको अल्ट नहीं दिखेगा, देखो क्योंकि इमेज सो लगी तो फिर हमें अल्ट नहीं दिखेगा, यहाँ कहीं दिख रहा है अल्ट में, यहाँ पे नहीं दिख रहा। आगे बात समझ में? अब सर सा तो लिख के नहीं आई सर। हाँ अब लिख के नहीं आएगा ना, ये कब लिख के आएगा, जब आपकी इमेज शो नहीं हो रही होगी या कुछ इमेज लिखने में टाइप करने में गलती हो जाएगी तो वहां पे इमेज का नाम आ जाया करेगा। लिख लें सब लोग, जैसे सर इंटरनेट स्लो है तो अगर इमेज लोड नहीं हो पाई तो भी लिख के आएगा? नहीं, नहीं नहीं तो लिख के नहीं आएगा, ये लिख के कब आएगा। अब देखो जी मैं पूरा खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है छोड़ दे खाली। तो अब यहाँ पे क्या लिख के आएगा, देखो लिख के आ गया अल्टरनेट, अल्ट का मतलब अल्टरनेटिव नाम आ जाता है सर। जैसे सिंपल जब आप कोई सिम खरीदते हैं ना तो वो बोलता है कि भाई एक अल्टरनेट फोन नंबर बता दो, ये तुम्हारा बंद हो तो उसको कॉल कर रहे हैं, है ना, ऐसा होता नहीं, कुछ भी होता है दो नंबर लिखवाए जाते हैं, तो ये अल्ट नाम है।
जिससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारी ये वाली इमेज गायब हो गई है। हो गया, कर लिया इतना इमेज समझ में आ गया पूरा सिस्टम इमेज का। हो गया इमेज, हो गया इमेज वाला काम सबका हो गया। बोलो, मेरी वॉइस आ रही है? इसी के नीचे अब देखो हमने यहां पे लगाते हैं, मुझे मैंने अब लिखा एक H1 लिखा मैंने हेलो या सिंपल रुपीस, उसी के नीचे लिखा मैंने 4000, फिर मैंने यूज किया DL, समझते हो डिलीट। DL का मतलब क्या होता है? DL का मतलब डिलीट करना। मैं लिख दिया इसके अंदर 5000, तो अब देखना आपको क्या आएगा। मैं बोले क्या रहा है, डीएल के मतलब क्या होता है? डिलीट करना, ठीक है। फिर मैं लिखा H1 के अंदर हेलो ग्वालियर, इसी अंदर मैंने यूज कर लिया UL, यू यू का मतलब क्या होता है? अनऑर्डर हो अंडरलाइन, देखो ये अंडरलाइन आ गया, यू से यू का यूज करके। फिर एक होता है VR, देखो मैंने यहां लगा दिया VR, अब इन दोनों के बीच लगा दिया, देखो अब इनके बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, देखो क्या हो गया, वॉइस आ रही नहीं मेरी? यस सर, यस सर, जी सर, जी ब्रेक, हां माइक ऑन हो गया, लाइन ब्रेक, हां VR का सबको पता ही है लाइन ब्रेक करना, तो मैंने इनके बीच में लगा दिया, अब दिख रहे होगे और स्पेसिंग आ जाएगी इनके बीच में, है ना। फिर एक होता है पी, लिखा मैंने पी, लिखा मैंने इसके अंदर हेलो ग्वालियर। अब अगर मुझे ग्वालियर बोल्ड करना हो तो बी टैग का यूज करूंगा, है ना, बी से क्या होगा ये बोल्ड हो जाता है, देखो बी से बोल्ड हो जाएगा, देखो प्रेस किया हो गया बोल्ड, बी से बोल्ड होता है। और ऐसे एक होता है यहाँ पे S2, लिखा मैंने सिंपल सा 400, लिखा सबस्क्रिप्ट SUB, ऐसे मैंने 500, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। इसे पावर कहाँ रहती है? हमेशा ऊपर रहती है। सबस्क्रिप्ट पावर कहाँ रहेगी? देखो सब में नीचे, सुपर में ऊपर। मैं थोड़ा इमेज वाला कोड बंद कर देता हूँ, देखो देखो सबस्क्रिप्ट पावर नीचे, और इसमें एक आता है सुपर स्क्रिप्ट SUP, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। इसमें रहती पावर ऊपर, ठीक है। और एक होता है HR, क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो बीच में लाइन आ गई है, इसको हम बोलते हैं HR। तो DEL हो गया, VR हो गया, अनऑर्डर लिस्ट हो गया, है ना, बीस हो गया, सब स्क्रिप्ट सुपर HR हो गया, ठीक है। इसको नोट करो और बताता हूं,
सर ये बी आर क्या करता है? बी आर बोर्ड लाइन ब्रेक, लाइन लाइन ब्रेक ब्रेक लाइन स्पेस देना दो चीज को देख रहा है। अगर मैं बी आर था ब्रेक लाइन कर, और अगर सर स्पेस कम करना हो तो क्या? अगर जैसे बी आर स्पेस बढ़ाता है, अगर बी आर अगर स्पेस कम करना हो तो फिर तो मार्जिन लगाएंगे ना। नहीं बी आर तो अपने ऊपर है, जैसे हमें इन दोनों के बीच में स्पेस देना है। देखो अभी इन दोनों के बीच में अगर तुम्हें और स्पेस कम करना है तभी मार्जिन का यूज करेंगे। अब तुमने कहा कि इन दोनों के बीच में मुझे थोड़ी और स्पेसिंग चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बीच में एक बी आर टैग लगा देंगे, ठीक है, लाइन एक स्पेस लगा दें और स्पेस चाहिए तो एक बी आर और लगा दो, दो स्पेस लगा देखो, ठीक है, लिख लो। हाँ बोलो, हैं, आओ नोट कर लें। हो गया सर, हो गया, हो गया, यस सर। अभी नहीं सर, एक मिनट, हाँ कर लो कर लो कर लो, अभी नहीं हो सर, हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जल्दी जल्दी करो, माइक बंद रखो, माइक बंद भैया। हो गया बाकी सबका? हाँ सर हो गया। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो एक होता है एट द रेट एन बी एस पी, तो ये क्या करता है देखो, आपने इन दोनों बीच में स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट ये स्पेस बाय डिफॉल्ट ऐसा आता है कुछ, देखो देखो स्पेस कहीं आ रहा। अब तुमने कहा कि मुझे इनके बीच में स्पेसिंग चाहिए, तो बीच में लगा दो एट द रेट एन बी एस सी लगा दो, ठीक है, देखो आ गया, फिर आ गया। दो चीजों के बीच में अगर हमें स्पेसिंग चाहिए तो हम क्या यूज कर लेंगे? एट द रेट एन बी एस पी, लिख लो।
हो गया सर। हो गया बाकी लोगों का? जी सर हो गया। यस सर। हो गया सर। चलो अब देखो, अब ये सीखो कि हम कमेंट कैसे लगाते हैं, है ना? कमेंट लगाना सीखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे ये कोड बंद करना है, ठीक है, एसटी वाला कमेंट कैसे लगाते हैं, तो तरीका क्या कहता है कि ऐसे ये लेस देन का साइन लगाना पड़ता है ऐसे, फिर ये स्पेस वाला साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर माइनस, ठीक है। अब तुम्हें कहां तक बंद करना है, कितना बंद करना है, कहां तक तुम्हें कितना बंद करना है, तो ऐसे लिखना पड़ता है ना। इससे अच्छा तरीका, सिंपल तरीका समझाता हूं। देखो तुम्हें कितना बंद करना है, हमने कहा कि हमें इतना बंद करना है, इतना लाइन की लाइन, तो आप लोग क्या करोगे, इस लाइन को पहले सिलेक्ट करो, मतलब कोड बंद करना इतना, इसको सिलेक्ट कर लो, कमेंट करना कोड को, सिलेक्ट कर लिया, करें आप सिलेक्ट करें लाइन, इस लाइन को सब लोग सिलेक्ट कर लें, कर लिया जी सर, और फिर कंट्रोल स्लैश दबा दो, कमेंट हो जाएगा। देखो वही अपने आप, मतलब आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा कि लेस लेस ग्रेटर देन लेस देन एक्स माइनस माइनस माइनस, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। कर लिया यस सर। हाँ जी सर, है ना, सिंपल तरीका है कमेंट करने का। और कमेंट अगर खोलना हो तो इसको सिलेक्ट करना ऐसे, और कंट्रोल स्लैश ओपन कर लेना। अब मुझे पूरा बंद करना है तो मैं सिंपल पूरा सिलेक्ट करूंगा ऐसे, और कंट्रोल स्लैश से पूरा कोड कमेंट कर दूंगा, पूरा कोड बंद कर दूंगा। और सर इसे खोलते कैसे हैं? सर एक बार फिर से बताइए ना। सिंपल है, हमें ये कोड बंद करना है, सिंपल है, सिलेक्ट कर लिया, है ना, और कंट्रोल स्लैश को दबा दो साथ में, बंद हो गया कोड। मतलब सिंपल समझो, अगर मैं ऐसे करोगे तो फिर लिखोगे लेस देन एक्स में साइन माइनस माइनस, है ना, कितना बंद करना है, तुम कहोगे भाई यहां तक बंद करना है, यहां पेश करना पड़ेगा ऐसे। आ रही आवाज समझ में? मैं सिंपल क्या कह रहा हूँ, तरीका वही है, कमेंट इसी से होगा, मगर सिंपल क्या करो, ऐसे सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल स्लैश दबा दो, और जब ओपन करना हो तो सिंपल कंट्रोल स्लैश ओपन कर लो। ओके करना आ गया कमेंट? यस सर। यस सर। हो गया क्लियर कमेंट करना? अब देखो सीएसएस में कमेंट कैसे करेंगे, सीएसएस में तो जैसे मैं यहां पे आया, मैंने यहां पे लिखा स्टाइल, है ना, कमेंट करना सिखा रहा हूं, डॉट ए लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने, कलर कलर रेड बेड्स कुछ कर दिया, 300 पिक्सल ना। अब देखो ये कमेंट करना है, और मैंने एक और बना दिया ऐसे कमेंट करने के लिए, डॉट बी, ठीक है। अब तुम्हें ये अंदर का कोड बंद करना है इतना, तो वही सेम तरीका है, बस सीएसएस में कमेंट कैसे होते हैं, देखो सीएसएस में कमेंट तरीका ही होता है, स्लैश स्टार दे देता हूं, ये कमेंट होता है सीएसएस का, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, ये तरीका कौन सा होता है सीएसएस का, एचटीएमएल का तरीका कौन सा होता है, लेस देन एक्स मेडी साइन माइनस माइनस एचटीएमएल, ये कमेंट होता है एचटीएमएल का, ये कमेंट होता है सीएसएस का। तो वही सिंपल सिलेक्ट करो और कंट्रोल स्लैश, देखो क्या क्या आ गया पे,
स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ठीक है करके देखें आप लोग। इतना हो गया, कमेंट करना आ गया सर। सर जी सर तो अब आगे हो गया इतना। अभी आकाश, अमित कुमार, आशुतोष हो गए। जी सर जी सर जी सर जी सर हो गया सर। सर एक बार फिर से बता दो कौन सा वाला HTML का कमेंट के CSS वाला कमेंट? CSS 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 कुछ नहीं करना, देखो सिंपल है ये, पहले कोड लिखो इतना, ये होता है कमेंट स्टार स्लैश। अब वही तरीका वही है सेम, सिलेक्ट करो और कंट्रोल स्लैश दबा दो। स्लैश करो और कंट्रोल स्लैश दबा दो। हो गया सर, हो गया हो गया हो गया है ना। और ओपन करना हो तो सिलेक्ट करो और कंट्रोल स्लैश दबा दो, सिंपल सा, कोई झंझट नहीं। ठीक है अब ये पूरा बंद करना है, वही सेम तरीका कंट्रोल स्लैश, ठीक है। और ओपन करना हो तो कंट्रोल स्लैश, समझा के कमेंट कैसे करते हैं, इमेज कैसे लगाते हैं, क्लियर यहां तक? यस सर।